नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा यूट्यूब पर चैनल है जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टैक के नाम से। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने कई बार अपनी सोलर पंप की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के मैं अपने चैनल पर हाजिर हूँ, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों ने बोला है कि भाई 2 HP की वीडियो तो आपने बना के दिखाई, हमें 3 HP DC मोनोब्लॉक चाहिए और उसकी वीडियो बनाओ और वो हमको चाहिए। तो देखो किसान भाइयों, आज मैं 3 HP DC मोनोब्लॉक की वीडियो लेकर के अपने चैनल पर हाजिर हूँ। ध्यान से देखें सभी, और कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो किसान भाइयों देखिए, अब मैं इसकी डिटेल में जानकारी देता हूँ। यहाँ पर 300 वाट के देखिए 4 पैनल ये हैं, 2 ये हैं, 6 और 6 पैनल इधर ये हैं। ये मात्र 12 पैनल पर अभी चल रही है, इसमें 8 पैनल लगे हुए, हमने ट्रॉली सिस्टम बनाया हुआ है अपना लाने ले जाने का। तो पहले हम इससे 2 HP की मोटर चलाते थे तो उसके लिए तो ये सफिशियंट था, लेकिन अभी 3 HP चलाई है तो उसके लिए पैनल ज़्यादा ही ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने ये 6 पैनल नीचे रखे हुए हैं और 8 पैनल हमारे ट्रॉली पर लगे हुए हैं। इस ट्रॉली वाले पैनल में से मात्र 6 पैनल अभी चल रहे हैं, 6 पैनल ये चल रहे हैं और 6 पैनल ये चल रहे हैं। इनकी हमने सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन बनाए हुए हैं, वो मैं डिटेल में बता दूंगा कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, ये चल रहा है 3 HP DC मोनोब्लॉक। ये इसके ऊपर जो हम पंपिंग सेट चलाते हैं, इंजन वाला पंखा वो लगा यहाँ पर लगा हुआ है पंप, देखिए। और ये यहाँ पर 4x4 का इसका जो हेड है, यानी 4 इंच इनपुट और 4 इंची आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 इंची कितना मस्त पानी दे रहा है, और अभी दिन के 2 बज गए हैं दोपहर के, अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है तो पानी तो अभी कम देगी ही, क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है किसान भाइयों। और पैनल भी अभी हमने 12 लगा रखे हैं, तो पैनल अभी करंट जो है, जब धूप पूरी नहीं मिल रही तो पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं 3 HP DC मोनोब्लॉक का परफॉर्मेंस ये रहा आपके सामने। और दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी किसान भाई को ये चाहिए 3 HP DC मोनोब्लॉक पंप, या 2 HP DC मोनोब्लॉक पंप, या कोई और सोलर से रिलेटेड कोई भी पंप चाहिए, वो मेरे पास कॉल करें। मैंने अपना नंबर वीडियो में बता दिया है, पहले जितनी वीडियो डाली है फिर से बता देता हूँ। मेरा नंबर है 8368 53 39 70। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या ये 3 HP का DC मोनोब्लॉक लेना हो या 2 HP का DC मोनोब्लॉक लेना हो, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो पंप है DC, 2 HP DC मोनोब्लॉक और 3 HP, ये देखिए विदाउट कंट्रोलर चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई कंट्रोलर इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट बस पैनल की सीरीज बनाई हुई है, कनेक्शन बना के पैरल उसके पैनल के। और ये यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव का नेगेटिव में, पॉजिटिव का पॉजिटिव में यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी वीडियो मैंने आपको दिखा दी, परफॉर्मेंस ये रहा पंप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी तो 2 बजे हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेंगी, धूप ज़्यादा तेज़ होगी, तो अभी तो ये पानी आप देख सकते हैं इसका अभी 30% और एक्स्ट्रा देगा, यानी कि काफ़ी। ये यहाँ पर जितना हमारा इंजन देता है अभी लगभग, उतना तो पानी दे ही रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इंजन के बराबर पानी ये देगा। और आजकल डीजल के रेट आपने देखे ही हैं कि 80 रुपये से भी ऊपर डीजल का रेट है, और जिनके पास बड़ी खेती है वो कैसे, वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन छोटी खेती वाले, क्योंकि इतना महंगा डीजल हो गया है और गर्मियों में वैसे भी वाटर लेवल कम हो जाता है, भराई बहुत कम होती है, तो ज़्यादा डीजल हमें खर्च करना पड़ता है। अगर किसी भी किसान भाई को ये चाहिए तो मुझे बताएं, क्योंकि देखिए आजकल सभी सोलर की ओर जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको चलाते हैं, देख सकते हैं कैसा वर्क कर रहा है, अभी तो धूप पूरी नहीं है, अगर आप इसको गर्मियों में चलाते हैं, मान सकते हैं कि दिन में 8 से 10 बीघे खेत आपका सुबह से शाम तक ये भर देगा। कितना मात्र 3 HP DC मोनोब्लॉक, 4 इंची डिलीवरी है, आप देख सकते हैं 4x4 का इसका पंप है, ये रहा देखिए आप। और जो इंजन में सेटिंग करते हैं भाई, उसी प्रकार से सेटिंग की हुई है इसकी, ये संक्शन पाइप लगाया हुआ है जिसको हम पचपुटा कहते हैं, और ये यहाँ पर चल रहा है।
और यहाँ पर ये बरसीन की अभी भराई चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको अपनी वीडियो के माध्यम से। अगर किसी भी किसान भाई को ये चाहिए या लगवाना हो, स्पेशली वीडियो 3HP DC मोनोब्लॉक के लिए बनाई गई है। 2HP की काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने 3HP DC समर्सिबल लगवा रखा है घर अपने खेतों पे, तो मेरे पास काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आए हैं और कॉल भी आई है कि भैया हम उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उसकी डिलीवरी मात्र 2 इंच होती है, क्योंकि समर्सिबल है, समर्सिबल को ज़्यादा गहराई से पानी खींचना पड़ता है, 3HP की मोटर डाली हुई है। अब भाई सोलर पे चलाओगे तो वो लाइट तो है नहीं कि भरपूर एम्पियर मिल रहे हैं, भरपूर वोल्ट मिल रहे हैं, चल रहा है सोलर, तो जैसे जैसे धूप बढ़ती है ऐसे ऐसे एम्पियर बढ़ते हैं, करंट बढ़ता है तो फोर्स पानी का आना शुरू होता है। उसके काफ़ी सारे किसान भाइयों ने बोला हुआ कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम इसी से कोई दूसरा पंप चला सके। तो मैंने बोला कि अगर आपके यहाँ वाटर लेवल 50-60 फीट तक है तो आपके यहाँ 3HP DC मोनोब्लॉक या 2HP DC मोनोब्लॉक बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब बात आती है कि भैया हमारे पास तो 3 किलोवाट का पावर लगा हुआ है, तो 2HP में तो 2 किलोवाट लगेगा, बाकी हम क्या करेंगे। तो मैंने सभी किसान भाइयों को वो जानकारी को सुनते हुए ये देखिए ये किया है कि 3HP DC मोनोब्लॉक असेंबल करवाया है, तो इसकी जो डिलीवरी है उससे ज़्यादा है और उसकी जो डिलीवरी होती है 2HP की वो 2.5x2 होती है, इसकी 4x4 है, आप देख सकते हैं। तो जिस किसी किसान भाई ने भी 3HP समर्सिबल लगवा रखा है और वो संतुष्ट नहीं है और उसके यहाँ वाटर लेवल पर जो उसके यहाँ जो वाटर लेवल है वो 50-60 फिट तक है, तो वो हमें कॉल करें, अगर इसको लगवाना हो तो हम उसको ये प्रोवाइड करा देंगे आसानी से, और आसानी से आप इसको चलाएँ और आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कैसा है इसका। और दूसरी चीज़, अभी जो ये चल रहा है हमारे यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 25 से 30 फुट और लास्ट जो बोरिंग का होता है वो 40 फुट होता है। 40 फुट पे हमारे यहाँ हम बोरिंग रोक देते हैं बोरवेल, और 40 फुट पर तो ये उतनी गहराई पे अभी चल रहा है 40 फिट के आसपास, आप देख सकते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस कितना है, धूप बहुत कम है, पूरी जानकारी दे दिए किसान भाइयों। जिस किसी को भी चाहिए 2HP DC मोनोब्लॉक, 3HP DC मोनोब्लॉक विदाउट कंट्रोलर, कोई कंट्रोलर नहीं, सीधे DC पंप है, सीधे चलता है डायरेक्ट, तो हम मुझे कांटेक्ट करें, मेरे नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और चाहिएगा तो प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं, फिर से दिखा देता हूं। देखिए 4 पैनल ये रहे, 2 ये हैं और यहाँ पर 6 पैनल इसमें चल रहे हैं, टोटल 12 पैनल पर अभी ये चल रही है, 12×36 यानी 3.5 किलो वाट है ये यहाँ पर चल रही है, लेकिन आउटपुट पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं है, पूरा करंट नहीं मिल पा रहा है और दिन के टाइम भी 2 से ऊपर हो गए हैं, 2 बज गए हैं, क्योंकि जो एम्पियर आते हैं वो 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद फिर डाउन होने शुरू हो जाते हैं, सुबह के 10 बजे से बढ़ते रहते हैं। तो ये मान के चलिए सुबह आपका 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 5 बजे तक आराम से चलेगा, 7-8 बजे स्टार्ट होकर, और बहुत अच्छा काम करेगा। तो मेरी तो यही कहना है सभी किसान भाइयों से, अगर जिस किसी को लगवाना हो मुझे कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, नंबर फिर से बता देता हूँ, मेरा नंबर है 83-68-53-39-70। तो धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और स्पेशली फिर कहना चाहूँगा ये वीडियो 3HP DC मोनोब्लॉक के लिए बनाई गई है, जिस किसी किसान भाई को चाहिए तो वो मुझे बताए, संपर्क करें। वीडियो डाल दिए चैनल पे, बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी, कॉल आई थी, मैंने बोला था कि जैसी वीडियो आएगी या पंप आएगा वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के चला सकते। तो धन्यवाद किसान भाइयों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, वो देखें और हमारी तरह इसका लाभ उठाएं। जा रहे हैं यार, तो बेटी 60 क्विंटल में तेरा बहुत छुल जाएगा भाई, अमर सिंह की पर्ची ना रही है, तो मैं तो मिठाई दिखाई।